दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप एफएमडी की वैक्सीन जब कर रहे हैं तो एफएमडी की वैक्सीन प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। हमारे एक रेगुलर व्यूअर और हमारे सब्सक्राइबर भाई निर्मल मीणा जी ने पूछा है कि सर एफएमडी की वैक्सीन प्रेगनेंसी सेफ है या अनसेफ है। देखिए एफएमडी की जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन प्रेगनेंसी सेफ भी होती है और नहीं भी होती है। वो कैसे? इस वैक्सीन को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसे छोड़ा जाता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी कंडीशन में एफएमडी वैक्सीन नहीं की जाती है, और लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है यानी लास्ट के 3 महीने उन्हें भी छोड़ा जाता है। तो पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी की जो अर्ली स्टेज है स्टार्टिंग वाली उसमें आप वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें, और लास्ट के जो 3 महीने हैं उनमें भी आप वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें। बाकी बीच वाले महीने में अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो उसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इसके पीछे 2 फैक्टर काम करते हैं, और वो दोनों फैक्टर में से पहला है गर्मी, शरीर की गर्मी या गर्मी का मौसम। अगर मान लीजिए मौसम गर्म है और शरीर में भी गर्मी है तो भाई नुकसान कर सकती है। इसके अलावा दूसरा, अगर उस पशु में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल पहले से डाउन है तो तकलीफ कर सकती है, अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं करेगी। अब आप ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा गर्मी शरीर की है कि नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है या नहीं है। तो ये बातें सारी एरिया स्पेसिफिक होती है, यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एफएमडी वैक्सीन को प्रेगनेंसी में आराम से लगाया जाता है और कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर शरीर में गर्मी या प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है वहां पर कई बार ये तकलीफ कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं, यानी ये एरिया स्पेसिफिक रहेगा। बाकी शुरुआत के और लास्ट के, जैसे शुरुआत वाले और लास्ट वाले 3-3 महीने छोड़ करके अगर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए तो कोई तकलीफ नहीं करती है।